वेलकम टू द ब्रांड न्यू सेगमेंट कॉल मेरा वाला गाना। यू नो, जब भी कोई गाना हमें बहुत पसंद आता है, दिल को छू जाता है, दिल के बहुत ही करीब होता है, वी वॉन्ट शेयर इट विद द वर्ल्ड, राइट? हमारे यार दोस्तों को उस गाने के बारे में बताते हैं। बस ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ मैं यहाँ। इनमें कई पॉपुलर सॉन्ग्स होंगे, कई अंडररेटेड सॉन्ग्स एंड सम सॉन्ग्स दैट आई रैंडमली डिस्कवर्ड एंड फेल इन लव विद। पहले एपिसोड की शुरुआत करूँगी विद अ वेरी स्पेशल सॉन्ग, मेरा बिछड़ा यार बाय बिलाल मकसूद, लाइव एट रेड बुल म्यूजिक साउंड क्लैश। मेरी आंखों से निंदिया ले गया था। माई मोस्ट बिलवड बैंड स्ट्रिंग्स, मतलब इतना प्यार ना मैंने शायद ही किसी और बैंड से किया हो। बचपन से इनकी फैन रही हूँ, डाई हार्ट फैन। ये जब न्यूज़ सुनने मिली स्ट्रिंग्स डिसबैंडिंग आफ्टर 33 लॉन्ग ईयर्स, बचपन से लेकर अभी तक की स्ट्रिंग्स की सारी मेमरीज ऐसे आंखों के सामने आ रही थी। एंड आई एम श्योर अगर आप भी स्ट्रिंग्स को बचपन से फॉलो कर रहे हैं, बचपन से उनके फ़ैन रहे हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा। स्ट्रिंग्स हमारे लिए एक बैंड नहीं था। अगर अपनी बात करूँ तो सम ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आई हैव मेट थ्रू स्ट्रिंग्स। मेरे काफ़ी जिगरी यार दोस्त हैं फ्रॉम पाकिस्तान जिन्हें मैं इनके ऑनलाइन फ़ैन फोरम के द्वारा मिली थी, एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स मोर देन 17 ईयर्स नाउ। मतलब बचपन से लेके अब तक वो दोस्ती हमारी कायम है। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज ओल्ड स्ट्रिंग्स फैंस, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक ऑनलाइन ऑफिशियल ऑनलाइन फोरम हुआ करता था उनका, जहाँ पर उनके फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम आते थे, म्यूजिक डिस्कस करते थे, क्रिकेट एंड गॉड नोज क्या क्या बातें करते थे। वी वर टीनेजर्स इन ऑल, एंड आई वाज वन ऑफ द ऑफिशियल फोरम मॉडरेटर, और मैं पोस्ट को, सारे फैंस के पोस्ट को मैनेज करती थी। इट वॉज फन। सो आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ देम डिसबैंडिंग, दिस सॉन्ग, दिस लाइव वर्जन ऑफ मेरा बिछड़ा यार, इसकी जो वीडियो क्लिपिंग थी, इट वॉज ऑल ओवर सोशल मीडिया। सारे फैंस ये गाना पोस्ट कर रहे थे, एंड हर जगह यही गाना मतलब छाया हुआ था। वैसे तो मैंने ये गाना पहले भी सुना था, पर उस दिन जब ये गाना सुना विद द कामिंग वॉइस ऑफ बिलाल सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैंस सिंगिंग अलॉन्ग विथ हिम, मतलब ऐसा लग रहा था दैट यू नो बिलाल इन हिज ओन वे हम फैंस को कह रहे हो कि इट्स ओके, यू नो यू विल बी फाइन। वो रोते बच्चे को लोरी नहीं सुनाते सोने से पहले, कुछ वैसा। इस गाने ने हम सारे स्ट्रिंग्स फैंस की लाइफ में एक अलग ही जगह बना दी है। उस दिन के बाद ये गाना स्ट्रिंग्स और हमारे बीच हमेशा एक इमोशनल कनेक्शन बन के रहेगा, द अनइंटेंशनल गुडबाय सॉन्ग। बिलाल मकसूद एंड फैजल कपाड़िया, थैंक यू सो मच।